हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल एचपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बताएंगे कि 50,000 अभ्यर्थियों के लिए अंतिम सुनवाई 27 को होनी है। और एक और बड़ी खबर है, वो सबसे बड़ी खबर जो कि आपको बताने वाले हैं हाईकोर्ट अपडेट की दोस्तों। और आज है 24 नवंबर 2018, इसकी न्यूज़ ताज़ा खबर है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी खबरें, पल पल की खबरें मैं सबसे पहले अपने चैनल के द्वारा लेकर आता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है न्यूज़ आई है। देखिए ये न्यूज़ आई है, 50,000 शिक्षकों का फैसला 27 को होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत और 2012 से 2018 के बीच नियुक्ति तकरीबन 50,000 शिक्षकों की किस्मत का फैसला 27 नवंबर को होगा। परसुइंग अपीयरिंग विवाद पर गणित विज्ञान की 29,334 शिक्षक भर्ती के प्रोफेशनल डिग्रीधारियों के विवाद की अंतिम सुनवाई 27 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और 50,000 शिक्षकों की नौकरी हाई कोर्ट में 30 मई 2018 के उस आदेश के बाद सवालों के घेरे में आ गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन शिक्षकों की ट्रेनिंग बीएड बीटीसी आदि का परिणाम उनके टेट के परिणाम के बाद आया, उनकी नियुक्ति मान्य नहीं है। और इस आदेश के कारण 2012 के बाद प्राथमिक स्कूलों के लिए हुई 72,825 और ये 9,770, 10,800, 10,015, 16,448 और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की उर्दू भर्ती के अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए कई हुई विज्ञान व गणित विषयों के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती की में नियुक्ति तकरीबन 50,000 शिक्षक प्रभावित हैं। और प्रभावित शिक्षक सर्वोच्च न्यायालय में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और जबकि राज्य सरकार ने इन शिक्षकों के पक्ष में न तो कोई एसएलपी दायर की है और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपना जवाब लगाया है। 23 अक्टूबर को पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 27 नवंबर को अंतिम सुनवाई होगी और सुनवाई से 3 दिन पहले सभी पक्ष अपना जवाब लगा दें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये सारी न्यूज़ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। परसों का प्रिंग मामले सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हाई कोर्ट 30 मई, ये जो है हाई कोर्ट से 30 मई के आदेश चलते संकट में आ गई थी ये शिक्षक। ठीक है दोस्तों, ये थी अपडेट जो कि मैंने मुझे आपको करानी थी दोस्तों। आज की ये ताज़ा खबर है जो कि आपको बता दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से दोस्तों मुझे मोटिवेशनल मिलता है, मैं और भी ऐसे ही आपके लिए वीडियोस रोज़ाना बनाता रहूं। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को भी इस जानकारी के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।